दोस्तों ये सभी वो किसान हैं जिन्होंने योजना का लाभ लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम आए हैं शासकीय बकरी प्रजनन परिक्षेत्र आरोन में और जानेंगे किस योजना के तहत बकरियां फ्री में दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अपना नाम। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर। तो आप हमें ये बताएं, जो बकरियां किसानों को बांटी जा रही हैं, ये क्यों बांटी जा रही हैं और फ्री में बांटी जा रही हैं क्या? देखिए, ये एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जो कि ग्वालियर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित है। इस परियोजना का नाम है आर्या, जो को युवाओं को खेती और उससे जुड़े हुए सह जितने भी उद्योग छोटे मोटे स्थापित हो सकते हैं उनको स्थापित करने के लिए चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत युवाओं को चयनित किया जाता है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र में, और फिर जो प्रशिक्षण में सही प्रकार से भाग लेते हैं, जो रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में आगे काम करने की, उनको बकरा प्रदाय किए गए हैं और बकरियां प्रदाय की जाती हैं। जितना फंड आता है उसके हिसाब से, कभी कम रहता है जिस वर्ष, उस वर्ष दो युवाओं के बीच में एक बकरा दे दिया जाता है, और जिस साल ठीक रहता है, चयनित किसान कम होते हैं, तो उस साल एक भी किसी को दे दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जब ये ग्रामीण परिवेश में अपने गांव में रह के जब ये बकरी पालन करते हैं और उस बकरी पालन में इनके पास अनडिस्क्रिप्टेड वैरायटी हैं, दूसरी अच्छी उन्नत नस्ल की बकरियाँ नहीं हैं, तो जब जमुनापारी नस्ल का बकरा इनको दिया जाएगा तो वो उसको ब्रीड सुधारने का काम करेगा, और जब वो उनकी ब्रीड सुधर जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी इनकी जब जमुनापारी की पैदा होगी, तो उसके इनको बाज़ार में मूल्य भी अच्छा मिलेगा और इसके उत्पाद भी इनको अच्छे से मिलेंगे। इसके दूध का भी ये लोग उपयोग कर सकते हैं और एक स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करके अपना जीवन यापन ग्रामीण परिवेश में रह के कृषि से जुड़े हुए उद्यमों से ये अपना चला सकते हैं। तो सर, ये किस नस्ल की बकरियाँ हैं? ये जमुनापारी नस्ल के बकरे दिए गए हैं आज। ये जो अभी ग्वालियर कृषि विज्ञान केंद्र ने, ग्वालियर कृषि विज्ञान केंद्र ने जो राशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त हुई थी, उसकी जो एक अच्छा सेंटर यहाँ पे है ग्वालियर जिले में आरोन, बकरी पालन के लिए प्रजनक केंद्र है जहाँ से अच्छी प्रजनक प्रजातियों के बकरे प्रदाय किए जाते हैं। इसे कृषि विज्ञान केंद्र ने बकरे खरीदे हैं, इनसे खरीदे हैं और फिर अपने जो चयनित युवा थे इन युवाओं को वितरित किए निःशुल्क वितरित किए। क्या नाम है अपना? देवकी कुशवाहा। और गांव कौन सा है? इकोना। इकोना, तो ये जो बकरी मिली है आपको, ये किस योजना के तहत मिली है? आर्या परियोजना के तहत। उससे हमें ये जमुनापारी का बकरा मिला है। इससे हमारे गांव में जो देसी बकरियां हैं उनकी नस्ल को सुधारने के लिए जमुनापारी की उपज ऐसे सैली होगी। क्या नाम है अपना? निशा कुशवाहा। निशा कुशवाहा जी, ये बकरा आपको किस योजना के तहत मिला है? जी, आर्या परियोजना के द्वारा मिला है। और ये कहाँ से मिला है आपको? जे कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर से। तो ये बताएं आप कि आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी? पाँच दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद में आपका नाम आर्या परियोजना में आ गया और आपको बकरा मिला है ना? बकरा मिला। हाँ सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत, मैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में एज ए साइंटिस्ट पदस्थ हूँ। तो ये आज जो बकरी वितरित की जा रही है किसानों को, ये किस योजना के तहत की जा रही है? ये किसानों को हम आर्या परियोजना के अंतर्गत किसानों को जमुनापारी बकरी के उन्नत नस्ल के बकरे प्रदाय किए जा रहे हैं जो कि ब्रीडिंग बक हैं, प्रजनक बकरे हैं। ये जो इन किसान भाइयों के पास कुछ बकरियां हैं जो अनडिस्क्रिप्टिव हैं, जिसकी ब्रीड की कोई पहचान नहीं बची है, उस ब्रीड को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इन लोगों की जो इनकम है वो बढ़े, इसलिए ये उन्नत नस्ल के बकरे, प्रजनक बकरे इनको प्रदाय किए जा रहे हैं आर्या परियोजना के अंतर्गत। तो इसकी क्या ट्रेनिंग भी हुई थी? जी, आर्या परियोजना में हम लोग क्या करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में आर्या परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत हम हर साल अप्रैल में किसानों का चयन करते हैं, समूह में चयन करते हैं, फिर साल में 3 से 4 इनकी 5-5 दिन की ट्रेनिंग्स करते हैं। इनको पूरा साइंटिफिक तरीके से इनका फीडिंग है, इनका ब्रीडिंग है, इनका डिसीज़ मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, और किस तरीके से ये अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में विजिट कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, और हम अच्छे फार्म की भी, जो अच्छे फार्म जो चल रहे हैं ग्वालियर में, वहाँ उनकी विजिट भी कराते हैं अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की, और इन सबको एक नया, इन यूथ को सभी को इस बकरी पालन से जोड़ने के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर्स नए डेवलप कर रहे हैं इस परियोजना के तहत हम कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में। डॉक्टर आर के शर्मा, मैनेजर गॉड ब्रीडिंग फार्म आरोन। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो क्षेत्र है, जी, ये क्षेत्र क्या बोलते हैं क्षेत्र को? इसको आरोन घाटीगांव ब्लॉक में आता है, आरोन गांव है, और इस ब्लॉक में
अधिकतर जंगल है और जंगल बकरी पालन के लिए सबसे बेस्ट है। हरी पत्ती खाती हैं तो ये कहते हैं कि अपन औषधि जो मिलती है वो इसके दूध में सबसे अच्छी रहती है। वो जमुनापारी के दूध की एक खासियत है, एक तो इसमें स्मेल नहीं आती, गोटरी स्मेल नहीं आती है, आप पहचान नहीं सकते कि ये बकरी का दूध है कि गाय का दूध है। और इसकी खासियत ये है कि आपने देखा होगा कि डेंगू एक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है जो मनुष्यों में पाई जाती है। इसके दूध में क्या होता है कि डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके दूध से, बल्कि क्या होता है कि डेंगू एक बीमारी होती है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड डिफ्यूज हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉडी में डेंगू के मरीज में। इसका दूध क्या करता है, इसका जो फैट ग्लोबल्स होते हैं वो स्मॉलर होने के कारण ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। जिसका दूध पिया बकरी का जमुनापारी का, तुरंत उसको एनर्जी मिली और एक्टिवेट हुआ। और इसके कारण क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है, ब्लड डिफ्यूज नहीं होता तो स्वाभाविक उसका इन्फ्लेमेशन भी रुक जाता है और पेशेंट अच्छा महसूस करने लगता है। इसलिए डेंगू में बकरी का दूध दिया जाता है, ये कम से कम 100 लीटर रुपये लीटर तक बिकता है उस समय। जमुनापारी ब्रीड की खास क्या है, इसकी क्या पहचान है कि रोमन नोज इसकी है, ये कॉन्वेक्स टाइप की रोमन नोज है और ये बियर्ड्स होती है, देखो दाढ़ी, देखा अब दाढ़ी है इसमें। दूसरा क्या है, हैंड फीदर्स होती हैं, देखो ये हैंड फीदर्स हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का है। ये जमुनापारी बकरी की, जमुनापारी नस्ल की पहचान होती है। तो आप हमें ये बताएं सर, ये जो बकरी पालन की जो ट्रेनिंग चल रही है कि ये फ्री में बांटी जा रही है बकरी? नहीं, ये तो योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वितरित की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन का शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन, प्रजनन प्रक्षेत्र है, यहाँ ब्रीडर्स तैयार किए जाते हैं, जिससे कि स्थानीय क्षेत्र में ग्वालियर संभाग में जितनी भी नस्ल है उसका विकास हो, सुधार हो, नस्ल सुधार हो, विकास हो। ये प्रजनन के लिए अपन नस्ल सुधार हेतु बकरों को प्रदाय करते हैं पशुपालकों को। दोस्तों आगे वीडियो में दिखाएंगे जमुनापारी नस्ल की क्या पहचान है, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे होगा ये कि आपके पास में नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा पहुंचेगी। अब दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों ये जमुनापारी बकरी की क्या पहचान होती है। ये आप देख सकते हैं, ये कान के अंदर का जो कलर है ये पिंक है, ये दूसरे कान में भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए ये कलर पिंक है, ये इसकी पहचान होती है। अब दिखाने की कोशिश करते हैं इसकी दूसरी बड़ी पहचान क्या है, ये देखिए इसकी जो नोज है ये तोते जैसी रहती है, आप देख सकते हैं। ये दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान रहती है, देखिए कान का कलर फिर से। आइए दोस्तों दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन किन किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बकरे बांटे गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सभी वो किसान हैं जिन्हें बकरे बांटे गए हैं, ये देखिए बैठे हुए सभी किसानों को बकरे बांटे गए हैं आज। दोस्तों इसका आयोजन बकरी प्रजनन परिक्षेत्र आरोन में किया गया है, आप देख सकते हैं ये बकरे इन महिलाओं को मिले हैं योजना के तहत। ये देखिए बाकी महिलाओं को भी किस तरह बकरे दिए गए हैं योजना के तहत। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह योजना में इन महिलाओं का और पुरुषों का नाम लिखा जा रहा है, और ये बकरा ले जाते हुए सभी वो लोग हैं जो इस योजना से लाभान्वित हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, आपका उस्टैंड दोस्त हरीश पवार, जय हिंद।